डायल 112 वालों के सामने आ खड़ी हुई विकट समस्या। योगी की पुलिस से कैसी कैसी डिमांड कर रहे हैं लोग। वायरल हुई एक ऐसी कॉल जिसने पुलिस की परेशानी का खोला राज। कॉल सुनकर आप दंग रह जाएंगे लेकिन हंसी भी नहीं रोक पाएंगे। हेलो, 112 फोन की हो? हाँ, क्या बात है? बात तो सर मैं बताया मैडम को, एक बार आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो आपको भी बता दूं। हाँ बता दो। सर मैं स्कूल में था तब 2007 में, तभी से मेरे ऊपर पता नहीं कौन कुछ करा दिया है। एक आदमी नाम लेके मेरे को कहा था कि तुम पढ़ने में तेज हो, सोच लो बच्चा है, जिंदगी है, आगे तुमको क्या बनना है क्या नहीं, पुलिस में मास्टरी में। तभी से मेरे ऊपर चुड़ैल भूत प्रेत आ गए हैं, मैं पढ़ भी नहीं पाया क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, मैं कहीं जा भी नहीं पाता हूँ, मेरे से काम भी नहीं होता है, दुख रहता है, तकलीफ रहता है, बीमारी है, मेरे पास पैसे भी नहीं, अभी शादी भी नहीं हुआ, घर वाले कहे निकाह जा तो शादी कराएंगे, निकाह भी नहीं रहा हूँ कहीं से क्या कहते हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं दुखी हूँ तो हमें पुलिस की नौकरी मिल जाए, नहीं तो मैं पुलिस वालों को परेशान करूँगा, जब तक मुझे पुलिस की नौकरी नहीं मिलेगी, पुलिस बनने को कहा गया है तो पुलिस वाले पहले तब तक से पुलिस की नौकरी मांगेंगे, नहीं देंगे पुलिस की नौकरी तो मैं 100 नंबर हमेशा फोन करूंगा, जो होगा वो देखा जाए, इसलिए हमने पुलिस बुलाया है, आपने दरवाजे पर आइए एक घंटे के लिए, हम आपसे बात करेंगे, थाने में मैं भी नहीं आ पाता हूँ क्या कहते हैं, हमें पुलिस की नौकरी। सुनो पहले मेरी बात, तुम हाँ तुम्हारा दिमाग खराब है का? कहेगा हमारा दिमाग खराब है, तुमको पुलिस की नौकरी देंगे हम तुमको? क्यों नहीं दोगे, जब पुलिस बनने को कहा गया तो कहाँ से मैं बनूँ पुलिस, बताओ। अबे तुम यार दम पूरा तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब, जाके इलाज कराओ। इलाज बहुत कराया सर मैंने, तो हम पुलिस तुम्हारा का इलाज करेगी? पुलिस इलाज नहीं करेगी, हमें बनने को कहा गया है तो मैं क्या करूँ, मैं कहीं कमा भी नहीं जा पा रहा हूँ, आराम भी मुझे नहीं हो रहा है, पुलिस की नौकरी मिल जाएगी। हाँ बीमारी दूर है। हाँ तो तुमको पुलिस की नौकरी हम देंगे, फिर किसको दोगे? नहीं आएंगे मेरे दरवाजे आज? नहीं, अब तुम्हारी समस्या क्या है? हम तुम्हारे दरवाजे आए, समस्या ये है कि हमें पुलिस की नौकरी चाहिए। तो पुलिस की नौकरी हम नहीं दे पाएंगे भैया। हाँ तो कहाँ जाऊँ मैं मांगने के लिए? अब तुम जहाँ मन तहाँ जाओ, हम क्या हम तुमको पुलिस नौकरी देने वाले दिख रहे हैं? तुम अपना पहले इलाज करवाओ, ठीक है? इलाज में भूत प्रेत है। तो भूत प्रेत है तो हम क्या करें उसके लिए, बताओ। अपन जाओ अच्छे डॉक्टर के दिखाओ, ठीक है? जब मैंने बता दिया एक बार कि भूत प्रेत है, बीमारी है, नाक भैरों में थान है, दवा थोड़ी भैरों का थान है तो बताओ तुम भूत प्रेत लेकर के पुलिस की नौकरी करोगे? एक आदमी बोला था स्कूल में, तभी से आ गए हैं मेरे ऊपर। हाँ तो ऐसा है, तू चुपचाप अपने घर वाले हैं कोई, बात कराओ हमारी। घर वाले हैं, घर वाले मेरे को बिगड़ते हैं, कहते हैं कि का पुलिस बुलावा था बार बार, का काम पुलिस बुला रहे हैं 4-5 साल से। 5 साल से बुला रहे हो तुम पुलिस, ठीक है, पहले घर वालों से बात करो हमारी। बहुत दुख रहता है सर, पता नहीं कौन दुख दिए दे रहा है। अच्छा ठीक है, तुम पहले घर वालों से बात कराओ। ना हमारे सर अम्मा है। हाँ हेलो। अरे अम्मा ये क्या समस्या है इनकर? अरे भाई क्या इनका का बताए, इनके बहुत इलाज करावत है, बहुत दवाई करावत है सब। हाँ कत से इनके दुख नहीं कटत है, का करे इनका? अभी बताओ पुलिस का इनका दुख काटे अम्मा? हाँ सही कहा था भैया, अब तू सब का कर दे। अब कहा था हमें पुलिस बनाए थे, इन्हें पुलिस बनाए दी है, हमारे हाथ में पुलिस बनाओ अभी ना। हाँ नहीं तुम्हारे हाथ में नहीं, इनके अब क्या करी हम लोग, क्या करी बताओ इनके, आज क्या समझाई नहीं? हाँ भैया का इनके समझौबे, अब इनके दिमाग का कही, हम सब कहे थे कि वही सब तुमका नौकरी दी है का, हम सब कही था, हम सब इनका समझाए थे, बोला समझाए थे, आप कहते दोबारा फोन मत लगे, ठीक समझाए थे भैया, समझाए थे इनका, कहते दोबारा फोन मत लगाई 112 पे, ठीक ठीक है भैया। हाँ समझा देगा, मतलब फुरमा इनका जावा करो तो उठाऊ बंद करा करा। अरे तो हमारे लगे नहीं होते ना, लखनऊ जा सकते। मैडम के लगे जाते मैडम, हाँ, लगे मैडम
अब समस्या इनका पूरी सुनी नहीं, अब भेज दिन आपके लगे। हाँ, ठीक है, फोन मत करिए, रखा ठीक है।